नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना के अंतर्गत, यानी कि मनरेगा योजना के अंतर्गत अगर आपने जॉब कार्ड बनाया है तो उसमें आप अपना अकाउंट नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं, यानी कि अकाउंट नंबर ऐड करने की सारी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के कई वीडियो मिलने वाले हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर दिया करो। और आपको सबसे पहले ये साइट पर जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, ये पंचायत JPPS और ZP ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको ग्राम पंचायत, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने अब ये ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको करना है रजिस्ट्रेशन पर क्लिक। और यहाँ पे आपको अपना स्टेट चुन लेना है। स्टेट चुनने के बाद में आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर चुनना है, और फाइनेंशियल ईयर के बाद में आपके संबंधित स्टेट का डिस्ट्रिक्ट चुनना है, उसके बाद में उसका ब्लॉक, उसके बाद में आपकी पंचायत और आपकी पंचायत की यूज़र आईडी और उसके पासवर्ड, और उसके बाद में ये कैप्चा एंटर करें, और कैप्चा एंटर करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का यूज़र इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था तो इस प्रकार से था, और अब नीचे एक ऑप्शन आ रहा है अपडेट एप्लीकेंट्स अकाउंट्स डिटेल। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं आपका अकाउंट नंबर आपने पहले से दे रखे थे लेकिन ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है, तो इसके कारण रिजेक्टेड जो FU ट्रांजेक्शन जो था वो फेल हो चुका था, इसके कारण आपको बदलने हैं। और दूसरा है जिसके कारण आपने जो अकाउंट नंबर है वो नए सिरे से डालने हैं, अगर वो कॉमर्शियल RRB बैंक है तो इसको सेलेक्ट करोगे, कोऑपरेटिव बैंक है तो यहाँ सेलेक्ट करोगे, और पोस्ट ऑफिस अकाउंट है तो यहाँ सेलेक्ट करोगे। तो हम यहाँ पर कॉमर्शियल RRB बैंक को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आता है, और आपसे पूछा जाता है ऊपर कि आपको जो अकाउंट नंबर है वो किस बैंक से संबंधित है, और यहाँ पर आपको बैंक को चुनना है, और उसके बाद में आपको IFSC कोड को चुनना चाहते हैं तो संबंधित ब्रांच को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद IFSC कोड आ जाएगा, और उसके बाद में आपकी जो फैमिली ID दी गई है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको आगे की प्रक्रिया बताते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, इसका बैंक नेम चुन लिया, उसके बाद में उसकी संबंधित ब्रांच और जिसके IFSC कोड, उसके बाद में ये फैमिली ID है उसको हमने जैसे सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करने के बाद में इसका नाम यहाँ पर दिखाई देने लगा जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। अब आप जिसका भी अकाउंट नंबर जोड़ना चाहते हैं तो उस पर यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आप पर राइट पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर एंटर करने हैं, उसके बाद में यहाँ पर आपको री एंटर करने हैं, और उसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेंट का आपको नाम लिखना है, और उसके बाद में यहाँ पर उसके मोबाइल नंबर लिखने हैं, उसके बाद में आपको सिंपली अपडेट पर क्लिक कर देना है। सारी डिटेल्स डालने के बाद में आपने तो अपडेट पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर लिखा हुआ 1 रिकॉर्ड अपडेटेड सीरियल नंबर, ये हो गए। उसके बाद में आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आएगा 1 रिकॉर्ड अपडेटेड, ये आपका अपडेट हो चुका है अकाउंट नंबर। तो इस प्रकार से आप अपना अकाउंट नंबर अपडेट करवा सकते हैं। धन्यवाद।